नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी मैप पर एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्र, सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के आतंकी हमले में मारे गए सहारनपुर के निवासी लकड़ी कारीगर सगीर के परिवारजनों को सरकार से मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में आज जिला अधिकारी से मिले बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान, सभा विधायक संजय गर्ग, वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर, उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, इसलिए सरकार से उचित आर्थिक सहायता दिलाई जाए। जागरूकता अभियान के अंतर्गत सरकारी योजनाओं की डोर टू डोर दी गई जानकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में खलासी लाइन में मजदूरों के पंजीकरण कैंप में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में राजमिस्त्री, मजदूर, रेडी वाले, रिक्शे वाले, सब्जी वाले उपस्थित थे। उपस्थित लोगों को प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। थाना मिर्जापुर पुलिस ने अपराधियों की तलाश में दिन भर धरपकड़ अभियान चलाया। पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली। पुलिस ने 520 ग्राम अवैध चरस के साथ दो नशा कारोबारियों को पकड़ा। राशिद पुत्र यासीन को 320 ग्राम अवैध चरस व मिर्जापुर पोल से कस्बे से इरशाद को 200 ग्राम अवैध चरस के साथ पुलिस ने पकड़ा और जेल भेज दिया। ननौता में जेब कतरों के आतंक से व्यापारी परेशान। ननौता में जेब कतरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर लगातार दूसरी बार फिर एक व्यापारी की जेब कतरों ने जेब काटकर 50,000 की नकदी उड़ा दी। बता दें कि ननौता के गुरुद्वारा चौक स्थित कपड़ा व्यापारी तेजपाल सैनी पुत्र आशाराम अपने पुत्र के साथ बृहस्पतिवार को सुबह के समय साप्ताहिक बंद होने के चलते सामान खरीदने सहारनपुर के लिए जा रहे थे। पीड़ित का आरोप है कि रोडवेज बस में चढ़ने के बाद जैसे ही 200 मीटर की दूरी तक बस चली तो जेब कतरा उसकी जेब से 50,000 की नकदी काटकर साफ कर गया। व्यापारी पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को किया गया याद। तिब्बत भारत की सीमा पर 21 अक्टूबर 1959 में शहीद पुलिसकर्मियों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। गुरुवार सुबह सहारनपुर पुलिस लाइन में भी स्मृति दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया। DIG डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह, SSP डॉक्टर SC नप्पा सहित सभी पुलिस अधिकारी शहीद स्मारक पर पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। डेंगू से खतरा बढ़ा, 10 और डेंगू के मरीज मिले। जिले में डेंगू बुखार लगातार पांव पसार रहा है। जिस तरह कोरोना के मरीज एकाएक बढ़े थे, उसी तरह डेंगू का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन अब विभाग के सामने डेंगू को रोकना बड़ी चुनौती बना हुआ है। यही नहीं, विभाग तो बुखार से कोई मौत ही नहीं मान रहा, जबकि रोजाना बुखार से 2 से 3 मौत हो रही है। अब जनपद में डेंगू के मरीजों की संख्या 126 तक पहुंच गई है। महिलाओं को लुभा रहे हैं डिजाइनर लहंगे, लॉन्ग सूट। बाजारों में महिलाओं में ट्रेडिशनल हैवी साड़ी की मांग। करवा चौथ को अब मात्र सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने और सबसे अलग लगने की चाह में महिलाएं विशेष रुचि दिखा रही हैं। ब्यूटी कीन दिखने के लिए महिलाएं जहां महंगे ब्यूटी पैकेज ले रही हैं, वहीं हाथों में फैंसी चूड़ियां खनखनाने के लिए इसके लिए महिलाएं 200 रुपये से लेकर 2,000 तक खर्च कर रही हैं। इस दिन पहनने वाले सूट साड़ी के लिए डिजाइनर फैंसी लुक का खास ख्याल रखा जा रहा है। रेलवे, NH, उत्साह जनपद में इस तरह के कई विभाग हैं जिनके द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान परेशान हैं। अन्य परेशानियों से संबंधित ज्ञापन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी के द्वार। देखिए उनकी मांगे क्या है, खुद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया। आज किस विषय में ज्ञापन दिया? रेलवे, NH, उत्साह, 3-4 विभाग है जो जनपद में भूमि अधिग्रहण का बहुतायत में किसान उससे प्रभावित हैं, और कहीं कहीं जो किसानों के चकमार थे वो भी सारे भूमि अधिग्रहण में चले गए। नए चकमार की भी प्रशासन ने वो चिन्हित नहीं करे। कुछ जगह असमान मुआवजे की बात है। मुआवजे में जो जिस किसान का मुआवजा जिस हिसाब से बढ़ते था वो नहीं दे रहे। उसमें मीरपुर में राम कुमार का मसला था, एक जो है कटोली से लेकर पंडोली रोड तक की नागल में एक सर्विस रोड थी जो भूमि अधिग्रहण में रेलवे ने सारी जो है अधिग्रहण कर ली। आज गन्ना का सीजन चलने वाला, तो किसानों को जो है वो गन्ना लेने में भी अपनी परेशानी आवेगी, वो सारा चकमार रेलवे ने अधिग्रहण कर लिया। तो इन सब मुद्दों को लेकर ही जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो है आए थे। आज जिलाधिकारी DC में जो है वो शाम तक के लिए निर्वाचन आयोग की मीटिंग है, तो SDM को ज्ञापन किया और कल DM साहब ने समय निर्धारित करा, कल उनसे मुलाकात हुई और ये सब मुद्दे किसानों के जो है अगर नहीं हल होते तो वही पल्ली बिछेगी जहाँ बढ़ते
अपना ही अपना कढ़ाई पढ़ाई खाने पाना ले खाऊंगे यही डीएम के बैठ के जब आलू। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वैप को। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।